बनाया है स्पेशली उन र्यूमर्स को दूर करने के लिए जो कल से काफी कैंडिडेट्स एंड एसोसिएट पार्टनर्स में फैली हुई हैं। कुछ लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि ब्रिटिश काउंसिल इंडिया में बैन है, कोई कह रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल इज सोल्ड आउट। तो ये वीडियो आपकी ये सारी कंफ्यूजन्स दूर करेगा तो मैं आपको बता दूं कि आईडीपी ने इंडिया के ब्रिटिश काउंसिल आईएलटीएस सेंटर्स को एक्वायर किया है, लेकिन इट डजंट मीन के आईएलटीएस में ब्रिटिश काउंसिल का रोल नहीं रहेगा। बाकी कंट्रीज में ब्रिटिश काउंसिल वैसे ही काम करेगा और ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी कैम्ब्रिज के साथ एसोसिएट होके आईएलटीएस कंडक्ट करवाते रहेंगे। इंडिया में आईएलटीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आईडीपी की रहेगी, क्योंकि आईडीपी ने ब्रिटिश काउंसिल को टेक ओवर किया है। जो आप ब्रिटिश काउंसिल के साथ एसोसिएट पार्टनर्स हैं या फिर द कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एग्जाम फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल और आर टेकिंग एग्जाम फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, दे नीड नॉट टू वरी। 31st तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश काउंसिल की रहेगी, इसके बाद आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल को एक्वायर करेगा। इससे कैंडिडेट्स और नोट पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एसोसिएशन इससे आगे आईडीपी के साथ हो जाएगा और जो लोग ऑलरेडी आईडीपी के पार्टनर्स हैं उन पे तो इसका टोटली कोई भी असर नहीं है, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। कल से काफी लोग ऐसे वीडियोज बना रहे हैं जस्ट टू गेन व्यूज कि ब्रिटिश काउंसिल इंडिया में बैन हो चुका है। तो गाइस, बैन इज समथिंग एल्स, और ये क्या है, एक तरह से ये मर्जर है जो उन्होंने क्लियर किया है कि बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक, जैसे कि आप देख ही रहे हैं काफी ऑर्गेनाइजेशन इससे सफर हुई हैं। तो गाइस, आईडीपी ने ब्रिटिश काउंसिल इंडिया के सारे एग्जाम्स को टेक ओवर कर लिया है। इससे एक और कंफ्यूजन दूर होगी कि हम ब्रिटिश काउंसिल से एग्जाम दें या आईडीपी। अब आईडीपी ही इंडिया में आईएलटीएस एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो इससे काफी कंफ्यूजन रादर कम होने वाली है फ्यूचर में। और ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी दोनों के सीईओ ने अपनी स्टेटमेंट में यही रिलीज किया है, हमारे मर्जर से आगे चल के काफी कंफ्यूजन ही दूर होंगी और इससे आईएलटीएस एग्जाम को कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। रादर इंडिया में इस एग्जाम को लेके जो पहले कोई कंफ्यूजन भी थी वो भी दूर ही होगी, क्योंकि अब एक ही बॉडी कंडक्ट कराएगी। तो लोगों की गाइस वो मिथ्स भी दूर हो जाएंगी कि आईडीपी से ज्यादा स्कोर आता है या ब्रिटिश से, क्योंकि एग्जाम तो आपको पता ही है कि कैम्ब्रिज के द्वारा ही बनाया जाता है। तो देयर इज नो चेंज। और काफी मैंने देखा है कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि एग्जाम में कुछ चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा। तो लेट मी टेल यू, देयर विल बी नो चेंज। एग्जाम सेम ही रहेगा, वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसे ही मार्किंग, वैसे ही रिजल्ट। ऐसा भी कुछ नहीं कि रिजल्ट जल्दी या डिलेड हो गया। एक और कंफ्यूजन चल रही है कि कुछ जगह ब्रिटिश काउंसिल के ही सेंटर्स हैं और आईडीपी के ही सेंटर्स हैं इंडिया में, तो क्या वहां एग्जाम होगा या नहीं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, वेन्यू जो ऑलरेडी चल रहे हैं आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के, वो सेम ही रहेंगे। आप देखिए, आईडीपी ने उसको एक्वायर किया है, तो जो भी ब्रिटिश काउंसिल पहले प्रोसेस करता था वो सब अब आईडीपी करेगा। बस ये है कि ये हो सकता है कि किसी सिटी में वेन्यू चेंज हो, सिटी सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर गुजरात में किसी राजकोट में ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट कराता था तो वहां आईडीपी कंडक्ट कराएगा। दैट डजंट मीन कि राजकोट में अब एग्जाम होना बंद हो जाएगा। इस बात को लेकर भी आई हैव सीन There is lot of confusion. कल आईडीपी ने प्रेस रिलीज में क्लियर किया था, उन्होंने FAQs भी दिए हैं कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज आईडीपी ने एक वेबिनार भी कंडक्ट करवाया है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कैंडिडेट्स को भी और नोड पार्टनर्स को भी कि आप कंफ्यूज मत होइए, इससे एग्जाम पे या आपके बिजनेस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मैंने भी ये वीडियो इसीलिए स्पेशली बनाया है कि कुछ कैंडिडेट्स बहुत पैनिक कर रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम आफ्टर 10th है ब्रिटिश काउंसिल में। तो गाइस, यू नीड नॉट टू वरी। 31st तक के सारे एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे काम की और जो नोट पार्टनर्स के इंसेंटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पे आउट्स की, वो सब ब्रिटिश काउंसिल कंप्लीट करेगा। इसमें मैं आपको ईओआर और टीआरएफ को लेके भी कंफ्यूजन दूर कर दूं। TRF जो है ब्रिटिश काउंसिल अब तक कोरियर करता है, दैट इज हार्ड कॉपी। इसके बाद जब 1st अगस्त से आईडीपी इसको टेक ओवर कर लेगा, उसके बाद वो PDF के तौर पे, ETRF के तौर पे ही TRF अवेलेबल होगी, जैसे कि आईडीपी की ऑलरेडी है।
जब अगस्त में आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल को टोटली एक्वायर कर लेगा और उसके बाद आप ईओआर अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस जो आईडीपी की करंट फीस है वही चलेगी। ब्रिटिश काउंसिल के साथ अगर आपने ईओआर पहले अप्लाई किया है तो डोंट वरी, आप लोगों का ईओआर उसी फीस के साथ कंडक्ट होके आपको अपनी टीआरएफ रिसीव हो जाएगी। तो गाइज आई होप इस वीडियो ने आपके काफी कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। ना ही ब्रिटिश काउंसिल बैन हुई है, ना ही इससे आपके ओल्ड टीआरएफ या रिजल्ट पे या वीजा एप्लीकेशन पे कोई असर होएगा। डोंट वरी, आईडीपी ने उसको टेक ओवर किया है तो आईडीपी आपको उसके आगे बेनिफिट भी देगा। जैसे कि आईडीपी ने कहा है, अ न्यू चैप्टर इन आईएल्स हिस्ट्री, तो वी आर ऑल्सो होपिंग कि इस मर्जर से आईएल्स को आगे चल के और बेनिफिट होगा और आईएल्स एग्जाम टेकर्स को भी। Thank you everyone for watching this video.